हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीज से जामुन का पौधा उगाकर एक पेड़ में दो अलग अलग वैरायटी के जामुनों की ग्राफ्टिंग करके बताने वाला हूं। मैं आपको सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग करना यानी कलम बांधने का पूरा तरीका डिटेल में समझाऊंगा, वो भी अपडेट के साथ। ग्राफ्टिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग फेल क्यों हो जाती है और 100% सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा 2 साल पुराना जामुन का पेड़ है। इसे मैंने बीज से उगाया था। मैंने इसे जामुन का बोनसाई बनाने के लिए ट्रेंड किया है। फ्यूचर में ये एक छोटे पेड़ की तरह दिखेगा जिसमें जामुन भी आएंगे। बीज से जामुन का पौधा उगाने के लिए मैं पूरी तरह से पके हुए फ्रेश जामुन ले आया हूँ। अब जामुन की गुठली को निकालकर उसका पल्प अच्छी तरह से साफ करना है और इसका सबसे अच्छा तरीका है रसीले जामुनों को खाते जाइए और गुठली निकालते जाइए। अब इन्हें अच्छी तरह से धो लीजिए। अगर मैं इन गुठलियों को सीधे मिट्टी में डालूं तो ये कई दिनों बाद जर्मिनेट होंगी, तो फास्ट जर्मिनेशन के लिए आपको एक भीगा हुआ हैंड टॉवल लेना है। एक प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट कंटेनर में इसे बिछाकर बीजों को इसके ऊपर रख दीजिए और कवर करके कंटेनर बंद कर दीजिए और इसे शेड में रखिए। सात दिनों के बाद बीज खुल गए हैं और जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। अब 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को मिलाकर थोड़ा गीला कर लीजिए। ड्रेनेज होल्स वाले छोटे कंटेनर में पॉटिंग मिक्स भर के सभी सीड्स को 1-2 सेंटीमीटर गहराई पर लगा दीजिए। अब इसमें थोड़ा पानी स्प्रिंकल कीजिए। अगली बार इसमें पानी तभी देना है जब छूने पर मिट्टी हल्की सूखी महसूस हो। 13 दिनों बाद जामुन के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। अब मैं इसे ऐसी जगह पर रखूंगा जहां इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल सके। जर्मिनेशन के 50 दिनों बाद पौधे बड़े हो गए हैं और गमले में लगाए जाने के लिए तैयार हैं। अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का गमला लीजिए। जामुन के पौधे को तेजी से बढ़ने के लिए ऐसी मिट्टी की जरूरत होती है जो न्यूट्रिशन से भरपूर और वेल ड्रेन्ड हो। इस तरह की मिट्टी बनाने के लिए बराबर क्वांटिटी में गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद और रेत लीजिए। मैंने इस मिट्टी के 12 इंच के गमले में सॉइल मिक्स भर लिया है। अब इसमें जामुन का पौधा लगा देते हैं। इसमें भरपूर पानी देकर मैं 1 हफ्ते तक इसे शेड में रखूंगा। उसके बाद जब प्लांट सेटल हो जाएगा तो इसे फुल सनलाइट में रखूंगा। 1 महीने बाद जामुन का पौधा 8-10 इंच का हो गया है। ये सीधा लंबा बढ़ता जाएगा, पर मैं इसे बोनसाई बनाने के लिए ही उगा रहा हूं तो इसे नीचे से 4 इंच की हाइट पर काट देते हैं। इससे प्लांट लंबा नहीं होगा और इसमें साइड ब्रांचेस निकलेंगी। जामुन का हमारा पौधा 9 महीने का हो गया है। इसका गमला टूट गया था तो मैंने इसे पॉलीबैग में शिफ्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका ट्रंक काफी मोटा हो गया है। अब मैं इसे थोड़े बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगा। दोस्तों, हमारा जामुन का पौधा अब 2 साल का हो गया है और इसका तना भी काफी मोटा हो गया है। अगर मैं जामुन का पौधा बीज से जमीन में भी उगाऊं तो भी इसे फल देने लायक मैच्योर होने में 10-12 साल या कभी कभी उससे भी ज्यादा लंबा समय लग सकता है। अगर इसे गमले में यूं ही उगने दिया तो इसमें कभी भी जामुन नहीं आएंगे और इसीलिए फल के पौधों की ग्राफ्टिंग की जाती है। अगर इसकी ग्राफ्टिंग की जाए तो ये पौधा 1-1.5 साल बाद ही फ्रूटिंग करने लगेगा।
स्प्लाइस ग्राफ्टिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें बीज से उगाए हुए पौधे के निचले हिस्से यानी रूट स्टॉक में फल देने वाले किसी बड़े मैच्योर्ड ट्री से सायन यानी कि कलम काटकर जोड़ दिया जाता है। इसी वजह से छोटे छोटे ग्राफ्टेड पौधों में भी बड़े पेड़ों की तरह एक दो साल में ही फल आने लगते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए बेस्ट टाइम जून से लेकर अगस्त तक का समय होता है। जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आप आम, चीकू, अमरूद, संतरा, एप्पल बेर, नींबू और कई सारे फलों की ग्राफ्टिंग करके इन्हें गमले में भी बड़ी आसानी से उगा सकते हैं और ये छोटे पौधे गमले में भी ढेर सारे फल देंगे। अब ये पौधा ग्राफ्टिंग के लिए तैयार है। हालांकि जब पौधे का तना पेंसिल की मोटाई जितना मोटा हो जाए तब उसमें ग्राफ्टिंग की जा सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसको बोनसाई बनाने के लिए उगा रहा हूं, इसीलिए मैंने इसे 2 साल तक बड़ा किया है। इसका एक फायदा और भी है कि बड़े प्लांट में जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो फल बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब मैं इसमें 2 वैरायटी के जामुन की ग्राफ्टिंग करने वाला हूं। इसके लिए पहली कलम यानी सायन को थाई जामुन वैरायटी के फल देने वाले इस पेड़ से ले रहा हूं और दूसरा सायन देसी जामुन का ले रहा हूं। अब एक शार्प कटर को एल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से स्टेरिलाइज कर लीजिए। ग्राफ्टिंग की सक्सेस के लिए कटर को स्टेरिलाइज करना जरूरी है, नहीं तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिससे ग्राफ्टिंग फेल भी हो सकती है। अब इसकी 2 मेन ब्रांचेस को इस तरह से काट लेते हैं। इसके नीचे से उगने वाली बाकी सभी ब्रांचेस को भी काट दीजिए। अब हमारा रूट स्टॉक तैयार हो गया है। ग्राफ्टिंग के लिए मैं एकदम नए शार्प ब्लेड को ले रहा हूं। अब दोनों ब्रांचेस पर इस तरह से 1.5 इंच गहरे 2 कट लगाइए। अब हमें कलम यानी कि सायन तैयार करना है। सायन के लिए बेस्ट ब्रांच वो होती है जिसके लीफ नोड्स से इस तरह के बड्स दिखाई दे रहे हों। इस तरह से 4-5 इंच लंबी ब्रांच को कट कर लीजिए जिसमें 2-3 लीफ नोड्स शामिल हो जाएं। अब कलम को इस तरह से तिरछा कट कर लीजिए। कट उतना ही लंबा हो जितना गहरा कट रूट स्टॉक में लगाया है ताकि दोनों आपस में मैच हो सके। अब दोनों कलम को ब्रांचेस में अच्छी तरह से फंसा दीजिए। ध्यान रहे कि कट पर मिट्टी या गंदे हाथ न लगे वरना इन्फेक्शन के कारण ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। अब इसे ग्राफ्टिंग टेप से या सेलो टेप से अच्छी तरह से टाइट बांध दीजिए। अगर ये लूज रहेगा तो ग्राफ्टिंग खराब हो सकती है, इसलिए इसे एकदम टाइटली लपेटकर वाटरप्रूफ कर दीजिए। इस मेथड को क्लिफ ग्राफ्टिंग या स्प्लिट ग्राफ्ट मेथड भी कहते हैं। आमतौर पर ग्राफ्टेड पार्ट को सूखने से बचाने के लिए मैं पॉलीबैग से कवर करता हूं, लेकिन ये ग्राफ्टिंग बारिश के मौसम में हो रही है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ग्राफ्टिंग के बाद नई पत्तियां निकलने तक इसे शेड में रखना चाहिए। इस समय इस पर पत्तियां नहीं है इसलिए पानी तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। दोस्तों, ये है रिजल्ट 20 दिनों बाद का। हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है। दोनों कलमों में नए शूट्स आने लगे हैं। जामुन का पौधा काफी हार्डी और फास्ट ग्रोइंग होता है, इसलिए सिर्फ 20 दिनों में ही इस पर पत्तियां निकल आई हैं। इसका मतलब यह है कि ग्राफ्टिंग के जोड़ में बॉन्डिंग हो गई है, लेकिन इसका टेप आप कम से कम 2-3 महीने तक नहीं निकालें। इसके नीचे से कुछ बर्ड्स निकली थी जिन्हें मैंने काट दिया था। अगर ग्राफ्टिंग वाले हिस्से के नीचे से कोई भी बर्ड्स निकले तो उन सकर्स को हटा दीजिए क्योंकि इनमें फल नहीं आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगले सीजन या उसके अगले सीजन में इस पर जामुन आने लगेंगे और आप 2 वैरायटीज के जामुनों का मजा एक ही पेड़ में ले सकेंगे। जब इसमें फल आने लगेंगे तो मैं इसका अपडेट आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। व्यूअर्स अक्सर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि उनकी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती। दोस्तों, ग्राफ्टिंग फेल होने के कई रीजन होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन जो होता है गंदे या कंटेमिनेटेड कटर या ब्लेड यूज करने से, सायन के लिए गलत तरह की कलम लेने से, सही तरह से कट न लगाने से,
जॉइंट को लूज बांधने से, गलत मौसम में ग्राफ्टिंग करने या ओवर वाटरिंग के कारण। दोस्तों, गार्डनिंग से जुड़े कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके अपने इश्यूज पर मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यह है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।